गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अज आपां एमएस वर्ड का पार्ट थ्री करांगे। जेडे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नवे ने तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो भी तां जो थोनू नवीं वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिल सकन ते अपने फ्रेंड्स विच जरूर शेयर करो चैनल नू भी तां जो वध तो वध बच्चे एक अच्छे डाटे नू मतलब एक अच्छे डाटे नू प्राप्त कर सकन ते वो एक अपनी गौरमेंट जॉब का ड्रीम पूरा कर सकन। इस वीडियो दे विच आपां 41 तो 60 क्वेश्चन मतलब आपां कंप्लीट करांगे नैक्सट भी तो टोटल 160 क्वेश्चन ने 8 पार्ट्स दे विच अपनी वीडियो कंप्लीट मतलब एमएस वर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जूगा। उस तो बाद फिर आपां एमएस एक्सेल आपां करना शुरू करांगे। ठीक है जी, तो आपां क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हाँ। वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल बाय यूजिंग डैश फीचर। कहिंदा किस विशेषता की वरतों करके एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के एक तो वध वर्जना नू इको फाइल में आप रख सकते हैं, मतलब अलग अलग जिवें 2007 वर्जन है 2010 वर्जन है वो फाइलां ने उन्होंने आप इको फाइल में आप रख सकते हैं। वो मतलब केड़ी अजिही फीचर है जिहड़ा इस्तेमाल करते हैं आपां, तो वह फीचर हैगी है ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज मतलब फीचर के नाल आप अलग अलग वर्जना के मतलब फाइलों इको जगह पर मतलब आप सेव कर सकते हैं। तो नैक्सट हैगा प्रेसिंग F8 कीज़ फॉर 3 टाइम। जो आप F8 की नू 3 बार प्रेस करते हाँ तो की सिलेक्ट हो जाता होंगे। तो 3 बार प्रेस करते देखो उरे मैं साइड पर मैनशन किया होया भी जो आप 2 बार प्रेस करते हाँ तो एक शब्द वर्ड प्रेस वर्ड मतलब सिलेक्ट हो जाता है। 3 बार प्रेस करता एक सेंटेंस होंगे। 4 बार प्रेस करते पैराग्राफ हो जाता है। तो 5 बार प्रेस करते एंटायर डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाता है। तो F8 की नू 2 बार सिलेक्ट एक शब्द हो जूगा, 3 बार करांगे तो मतलब फिर एक पैरा मतलब एक सेंटेंस, 4 बार एक पैराग्राफ तो 5 बार एंटायर। तो उन्हें एक F8 नू 3 बार कहा है तो 3 बार करांगे तो एक सेंटेंस मतलब अपना कंप्लीट सिलेक्ट हो जूगा। तो बहुत बारी एग्जाम च ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सारी प्रीवियस ईयर ने तो इस गल का ध्यान रखियो। सारे क्वेश्चन अपने सारे सेंटर लैवल के जिहड़े पेपर होंगे ने कंप्यूटर के मैं बहुत मतलब हार्डवर्क करके थोड़े वास्ते बिल्कुल सीकुएंस के एक अच्छे डाटे डाटा लैके आया भी तां जो तुसी एमएस वर्ड पढ़ के एक बहुत अच्छा पेपर दे सको। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड अनेबल्स अस टू सेंड सेम लैटर टू डिफरेंट परसन। तो एमएस वर्ड की किस विशेषता राही सेम लैटर नू अलग अलग लोगों को भेजी जा सकती है, मतलब इको लैटर नू वक वक लोगों तक भेजा जा सकता है। तो एमएस वर्ड की कौन फीचर हैगी है? तो एमएस वर्ड की जी फीचर है उसनों आप मेल मर्ज कहने हैं, उसनों आप बोलते हैं मेल मर्ज कहने हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स विच भी तां जो उन्हां नू भी वध तो वध बेनीफिट हो सके। तो द परपज़ ऑफ कंट्रोल प्लस एच इन एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस एच जी आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब की यूजेज है। तो कंट्रोल प्लस एच करन दे नाल अपने कोल फाइंड प्लस रीप्लेस वाला मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता होंगे, फाइंड एंड रीप्लेस टैक्सट। तो इसका सही ऑप्शन हैगा ए डियर। तो कंट्रोल प्लस एच दबाने दे नाल फाइंड प्लस रीप्लेस वाला मतलब डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। नैक्सट हैगा वट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सैट सर्टेन पेज फॉरमैटिंग ऑप्शन। तो सर्टेन पेज फॉरमैटिंग ऑप्शन का सर्टेन पेज फॉरमैटिंग ऑप्शन का ठीक है जी डॉक्यूमेंट दे उस पोर्शन नू की कहा जाता है जिस विच तुसी पेज फॉरमैटिंग करनी होवे। तो जेकर तुसी पेज फॉरमैटिंग करना हैगा तो उस हिस्से नू आपां सैक्शन कहने हैं, जिस हिस्से दे विच आपां पेज फॉरमैट करते हैं उसनू आपां की बोलते हैं सैक्शन कहने हुंदे आ। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर्स एक्ट एज वाइल्ड कार्ड करैक्टर्स इन विंडोज़ एक्सपलोरर। विंडो एक्सपलोरर के मतलब करैक्टर्स ने जिन्हों वाइल्ड कार्ड करैक्टर कहा जाता, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम च आ चुका है। वैसे एम एस वर्ड का नहीं बट फिर भी चलो रिपीट तो आ रहा है, मैं एड ऑन करता। तो इसका सही आंसर हैगा एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क। तो जो एस्ट्रिक साइन है क्वेश्चन मार्क साइन है वाइल्ड कार्ड करैक्टर्स ने। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पेज साइज़ इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के केड़ा पेज साइज़ नहीं हैगा। ठीक है जी, तो ए फोर साइज़ होंगे, ए थ्री होंगे, लीगल होंगे, लैटर होंगे, बट जैड 100 नहीं होंगे। तो ए टिक लग जूगा ई दे ऑप्शन।
ई Z100 नहीं हुंदा, इस दे तां मैं तुहानूं फोटो भी आपां देख सकदा, फोटो राहीं तुहानूं ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, तां साइज़ वगैरह ही मैनशन कीते हुए ने, देखो लैटर दा साइज़ भी हैगा, ये साइज़ वगैरह भी अज कल आने लग गए एग्जाम्स दे विच, तां लैटर, टैबलोइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4, B5, इनवैलप, सारे साइज़ होंगे ने अवेलेबल। इन्हों के साइज़ अजकल A4 का साइज़ बहुत बार एग्जाम पुछता है, 8.27 इंच तो इंटू 11.69 इंच, ये काफ़ी बार एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है जी, लैटर का साइज़ 8.5 इंच तो मतलब 11 इंच, मतलब इस तरीके ये साइज़ एग्जैक्ट आ रहे हैं। लीगल का साइज़ 8.5 तो 14 इंच डियर, इस तरीके। ठीक है जी, तो ये साइज़ भी तुसी याद करने ने, एग्जाम चाह रहे ने। अगले क्वेश्चन देखो ध्यान, मैं इन्हें साइज़ के पाए हुए हैं तो एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। ठीक है जी, तो लिख सकते ध्यान, देखो कहते हैं एम एस वर्ड डायमेंशन ऑफ लैटर पेज, लैटर पेज का कितना साइज़ है। देखो हम अपने पिछले हूँ ही देखा, लैटर पेज का जो साइज़ होंगे 8.5 इंच इंटू 11 इंच होंगे, 8.5 इंच इंटू 11 इंच सेंटीमीटर के भी पूछता है। डाटे बेटा थोड़ा एग्जैक्ट याद करने पैणगे, तो 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94। ठीक है जी, बाकी मैं लीगल पेज का भी साइज़ दस्या। देखो लीगल पेज के साइज़ हैगे ने, सारे नोट डाउन कर लियो कॉपीज़ के उत्ते, तो याद भी करने हैं। ठीक है जी, गल तो लीगल साइज़ है, A4 साइज़ है, A5 साइज़ है, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, प्लीज़ अपना मतलब नोट डाउन जरूर करो। ठीक है जी, आ सारे साइज़ मतलब जिहड़े गिवन ने, ठीक है जी, एग्जैक्ट मतलब जिहड़े एम एस वर्ड ऑफिस के विच गिवन ने, वो मैं सारे थोनों शो कर रहा। ठीक है जी, तुसी कल्ला कल्ला मतलब ध्यान नाल लिख के याद कर सकते हो, तो अपना नोट डाउन भी कर सकते हो। सारे एग्जाम अजकल आ रहे ने, तां तुसी मतलब इस गल ते खास ध्यान देना। ठीक है जी, तां नैक्सट हैगा देखो, इन एम एस वर्ड 2010 डैश शीट हैज़ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एज 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7। तो देखो मैं स्पैशल सेंटीमीटर के एक पिछे जे इमेज के लिखवाया सीगा। ठीक है जी, 2 मिनट, ठीक है जी, ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर 49। 21 इंटू, ठीक है जी, 29.7 वाला, ये A4 साइज़ है। ठीक है जी, तो कि साइज़ होएगा, A4 साइज़ होगा, तो सी ऑप्शन के उत्ते टिक ला दोगे। ठीक है जी, इस तरीके ना सेंटीमीटर विच भी पूछ रहा, तो वह इंचज़ के भी पूछ रहा। ठीक है जी, नैक्सट हैगा दी पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड, जिहड़ा पेज आप पावर पॉइंट से मतलब क्रिएट करते हाँ उसनों आप कहने डियर, तो पावर पॉइंट जो भी पेज आप क्रिएट करते हैं उसनों आप स्लाइड कहने। ठीक है जी, तो स्लाइड्स कहने पावर पॉइंट के। नैक्सट हैगा इन एम एस वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पैलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेसिंग द की, स्पैलिंग ग्रामर एरर के लिए कहता आप एम एस वर्ड में कि की प्रेस करा F7। बहुत बार एग्जाम रिपीट के एग्जाम क्वेश्चन आता है भी स्पैलिंग ग्रामर एरर के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो देखो स्पैशल स्पैलिंग ग्रामर एरर का, देखो मैं डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ है स्पैलिंग ग्रामर का। ठीक है जी, तो उस देखो जिहड़ा शब्द SHOWE लिखा पाया है उत्थे माड़ा जे तुसी ध्यान देखोगे SHOWU शो कर रहे हैं, मतलब थोड़े जिहड़े स्पैलिंग SHOWU लिखा पाया गलत लिखा पाया है, तो एरर नूं ठीक कर सजैशन दे रहा अपन भी इहनूं चेंज कर दो। ठीक है जी, तो एरो भी देखो उरे पाया हुआ अपना भी F7 क्लिक करांगे, भी F7 क्लिक करके आपां क्लीयर है जी, तो F7 क्लिक करके आपां भी मतलब एरर ते स्पैलिंग ग्रामर आप चैकिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट हैगा विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक असैस टूल बार इन एम एस वर्ड, क्विक असैस टूल बार से कहता केड़ी कमांड प्रेजेंट नहीं होंगी, तो ऑप्शनस गिवन ने ड्रॉ टेबल, ईमेल, प्रिंट प्रव्यू, प्रिपेयर। वैसे तो मैं सारे ऑप्शन लिखे पी ने, लाइक देखो भी न्यू ओपन, ये सारे ऑप्शन प्रेजेंट, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रव्यू, स्पैलिंग, ग्रामर एरर, अनडू, रीडू, ड्रॉ टेबल, ये सारा कुछ मतलब प्रेजेंट हैगा, तो तुसी मतलब ऑप्शन विच भी देख सकते हो ध्यान नाल। देखो तो न्यू ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट, अनडू, स्पैलिंग, ग्रामर, रीडू, तो केड़ा नहीं हैगा, तो ऑप्शन देखो अपना प्रिपेयर नहीं हैगा, तो प्रिपेयर डी ऑप्शन दे उत्ते तुसी टिक लाओगे, प्रिपेयर अपना प्रेजेंट नहीं होंदा क्विक असैस टूल बार दे विच, ये टूल बार होंदे जिथे आप कुछ
ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੂਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ ਕਮਾਂਡ ਸਚ ਐਜ਼ ਸੇਵ ਅਨਡੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਔਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸੇਵ ਅਨਡੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕੁਇਕ ਅਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੈਸ ਇਜ਼ ਯੂਜਡ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੋਪ ਕੈਪ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਯੂ ਸੈੱਟ ਫੋਰ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ। ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 51 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 51 ਇਨ ਮਾਰਜਨ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿੰਬਲ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ 'ਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿੰਬਲ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਂਸਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿੰਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਂਟ ਯੂਜਡ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ 2007 2010। 2007 ਲਿਖਦੇ, 10 ਲਿਖਦੇ, 16 ਲਿਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਲਬਰੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਂਟ ਕੈਲਬਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਜ਼ 11 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲਬਰੀ ਬੋਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ 11 ਸਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਫੀਚਰਸ ਕਰੋਸਿਸ ਟੈਕਸਟ ਆਊਟ ਬਾਏ ਡਰਾਇੰਗ ਆ ਲਾਈਨ ਥਰੂ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ? ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕ ਲਗਾਓਗੇ ਡੀਅਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੀਅਰ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਟਾਸਕ 3 ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਕੱਟ ਔਰ ਕਾਪੀ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ। ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ 'ਚ ਕੱਟ ਔਰ ਕਾਪੀ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟ ਔਰ ਕਾਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਡਰੋਪਡ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਵਰਡ 2010 ਹੀ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਲਈ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਵੀ ਕੱਟ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ? ਡਰੋਪ ਕੈਪ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 20 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਡਰੋਪ ਕੈਪ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 3 ਲਾਈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ 60 ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੰਪਲੀਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀ ਵਨ।